देखिए, फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रे आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है और दिवाली आने वाली है। और मैंने ऐसा फील किया कि मैंने अभी तक अपने चैनल पे कुछ भी मीठा नहीं बनाया है, तो सोचा कि क्यों ना फेस्टिवल की शुरुआत कुछ मीठे से की जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी लौकी के कलाकंद की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, जिसे मीठा बनाना नहीं आता है वो भी इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकता है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी का कलाकंद बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 किलो लौकी ले ली है, 1 किलो घिया जिसे मैंने धो के छील के रख लिया है, और अब हम इसे करेंगे ग्रेट। साइज जो ग्रेट करने वाला है इसमें मैं ग्रेट कर रही हूँ अपनी ये लौकी। तो देखिए, ये सारी लौकी यहाँ पर ग्रेट हो गई है, और अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ, मतलब इसका पानी पूरा जो है वो स्ट्रेन कर लेती हूँ, एक कपड़े में करके कर लेती हूँ। ये देखिए, इसका सारा पानी निकल गया है, ये एकदम ड्राई हो गई है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है सबसे थोड़ा सा कम, मतलब 3/4 कप दूध, और दूध मैंने लिया है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा होता है। तो हमने दूध ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छे से पकने के लिए इसे ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और मेरी लौकी जो है, मेरा जो घिया है वो भी यहाँ पर पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये इलायची ले ली है, इलायची को मैंने कूट लिया है। आपके पास अगर पिसी हुई इलायची हो तो वो भी आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुटी हुई इलायची ली है। अब मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो मैंने बारीक काट लिए थे छोटे छोटे, तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है 1/2 कटोरी। आप अपने जितना भी आप लौकी ले रहे हैं उसके हिसाब से, जितना आप मीठा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का मैं यूज कर रही हूँ, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसी से बहुत अच्छा टेक्सचर भी आएगा हमारी जो कलाकंद बनेगा। अगर आपके पास किसी वजह से मिल्क पाउडर नहीं है तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप 2 चम्मच या 3 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, ये एकदम ऑप्शनल है। यहाँ ये इसकी जो इसका जो टेक्सचर है हमारे जो कलाकंद का, उसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने ऐड किया है, और अगर आप नहीं ऐड करना चाहे तो भी चल जाएगा। और अगर आप नवरात्रों में फास्ट के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कलर डालना। और अब देखिए, ये एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है, और यू नो कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। मैंने एक ये मेरे पास, क्योंकि कुछ और मुझे नहीं समझ आया तो मैंने यहाँ पर ये एक टिफिन ले लिया है, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सारा जो अपना जो मैंने कलाकंद तैयार किया है, इसको हम ऐड कर देते हैं, अच्छे से फैला लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे इवनली स्प्रेड कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिए ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ मैंने ये ले लिया है ये पिस्ता, तो ये मैं पिस्ता भी इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड कर देती हूँ। तो ये हो गई हमारी जो मिठाई कलाकंद जो हमने बनाया है उसकी गार्निशिंग। अब ये जाएगा रेफ्रिजरेटर में फॉर 15 to 20 मिनट्स, यू नो ठंडा होने के बाद ये जो कलाकंद का मजा है बहुत ही अच्छा आने वाला है। मिठाई को निकाल लेती हूँ, ये देखिए, और हम इसे कट कर देते हैं। ये जो लौकी और ये जो घिया होता है, ये क्योंकि थ्रू आउट सीजन मिलता है तो ये तो हम कभी भी, ये मिठाई हम कभी भी बना सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल तो इसके लिए बेस्ट है क्योंकि फेस्टिवल में कुछ तो अपने घर में मीठा बनाना चाहिए ना। रेडी हो गया है मेरा कलाकंद तैयार, और इस तरीके से मैं सारे पीसेस को कट करके और सर्व करती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही मजेदार होगा। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा। और आप ये देख रहे हैं जो लौकी है, जो घिया है, ये जब मुंह में आएगा ना, मुंह में घुलेगा तो बहुत बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत ही अच्छा।
तो ये देखिए कितना कलरफुल हमारा कलाकंद बनके तैयार हो गया है, और इसे भी आप अपने घर पे बनाइए, नवरात्रों में बनाइए, दिवाली पे बनाइए, और थोड़ा सा बाहर की मिठाई को अवॉइड कीजिए, घर में तैयार कीजिए सब कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।